हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर मटर और स्वीट कॉर्न की सब्ज़ी। मैंने यहाँ पे अमूल का पनीर लिया है, ये करीब 200 ग्राम पनीर है। अभी यहाँ पे मैंने एक बड़ा प्याज कट करके लिया है। ये चॉपर मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा है, ये जो मिनी चॉपर आप देख रहे हैं, इसमें बहुत ही जल्दी प्याज चॉप हो जाता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। देखिए मैंने कितने फटाफट से इसे चॉप कर लिया है प्याज को, और ये साफ़ करने में भी आसान है। जैसे इसका ब्लेड निकल जाता है और सभी अलग हो जाता है, तो वो चॉपर का नीचे का जो बाउल है वो ही रह जाता है, वो भी हम इजीली साफ़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अभी एक लहसुन छीलूँगी। लहसुन को आपको थोड़ा ज़्यादा लेना है क्योंकि पनीर का वैसे भी खुद का ऐसे टेस्ट नहीं होता है, तो हम उसमें लहसुन डाल के ही उसका टेस्ट बढ़ाएंगे। तो करीबन यहाँ पे मैंने 7 से 8 कलियाँ लहसुन की ली है। यहाँ पे मैं लहसुन छील रही हूँ। यहाँ पे मैंने जो स्वीट कॉर्न लिए हैं और मटर लिए हैं वो फ्रोज़न है। अगर आप फ्रेश लेना चाहते हैं स्वीट कॉर्न तो वो भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने अभी कढ़ाई में घी डाला है, करीबन 3 से 4 चम्मच हमें घी डालना है उसमें, टेबलस्पून। आप अगर आपके पास घी नहीं है या फिर आप बटर डालना चाहते हैं तो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं घी प्रेफर करती हूँ डालना। अब यहाँ पे जैसे मैं लहसुन को थोड़ा सा प्रेस करके चॉप कर रही हूँ, वैसे आपको सारी लहसुन की कलियों को प्रेस करके चॉप कर देना है। इससे उसका स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। अगर आप सिर्फ कट करके डालेंगे तो इतना टेस्ट उसका नहीं आएगा सब्ज़ी का। तो उसे थोड़ा सा प्रेस करके और फिर कट करेंगे तो अच्छा सा स्वाद आता है सब्ज़ी में। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी मिर्ची भी ली है, 1, 2 या 3 आपको मिर्ची लेनी है। यहाँ पे मैं 2 लोगों की सब्ज़ी बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पे 2 मिर्ची ली है। ज़्यादा तीखी नहीं है मिर्ची, थोड़ी सी मीडियम ही लेनी है। अभी यहाँ पे मैंने अमूल का पनीर लिया है, वो मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है पानी से, क्योंकि वो फ्रीज़र में रखा था थोड़ी देर के लिए, उसके इसीलिए वो जम गया था थोड़ा, तो मैंने यहाँ पे उसको अच्छे से साफ़ कर लिया है पानी से और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अभी यहाँ पे मैंने तेल गरम हो गया है तो मैंने सॉरी घी गरम हो गया है तो उसमें मैंने राई डाली है पहले, उसके बाद लहसुन डाला है और उसके बाद मिर्ची डाली है। इसे हमें थोड़ा ही मतलब थोड़ा गोल्डन ब्राउन करना है, उसके तुरंत बाद प्याज डाल देना है। जल्दी से प्याज डालना है इसमें क्योंकि फिर सब्ज़ी मतलब वो जो हमने लहसुन और मिर्ची डाली है वो जल जाएंगे, इसलिए हमें प्याज जल्दी से ऐड कर देना है इसमें। ये मीडियम हाई फ्लेम पे ही हमें पकाना है तो ही लहसुन का थोड़ा सा स्वाद आएगा। अभी यहाँ पे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हमने प्याज कर लिया है और अभी यहाँ पे मैंने हींग डाला है। इसके बाद हमें यहाँ पे ऐड करना है थोड़ी सी हल्दी। देखिए हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है और मैंने यहाँ पे हल्दी ऐड कर दी है। फिर ये धना जीरा पाउडर है वो मैंने ऐड कर दिया है 2 चम्मच के करीब। यहाँ पे गरम मसाला है वो 1 टेबलस्पून मैंने ऐड कर दिया है, और लाल मिर्ची पाउडर है वो मैंने 1 टेबलस्पून ऐड कर दी है। अभी इसे हमें अच्छे से मिक्स कर देना है।
यहाँ पे मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है और इस बाद मैंने यहाँ पे टमाटो का केचप आता है वो ऐड कर दिया। करीबन हमें 2 से 3 टेबलस्पून टमाटो केचप ऐड कर देना है। टमाटो केचप ऑप्शनल है, अगर आप टमाटर ऐड करना चाहते हैं तो बारीक कटा हुआ टमाटर एक आधा आप ऐड कर सकते हैं या फिर टेस्ट के लिए आप एक भी ऐड कर सकते हैं टमाटर। यहाँ पे मेरे पास टमाटर अवेलेबल नहीं थे इसलिए मैंने केचप का यूज़ किया है। इसके बाद यहाँ पे मैंने फ्रोज़न मटर लिए हैं, करीबन 2 से 3 बड़े चम्मच लिए हैं और स्वीट कॉर्न भी 2 से 3 बड़े चम्मच लिए हैं। ज़्यादा हमें ऐड नहीं करने हैं इस सब्ज़ी में क्योंकि फिर पनीर का टेस्ट आपको नहीं आएगा। ज़्यादा अगर हम स्वीट कॉर्न और मटर ऐड करेंगे तो सिर्फ उन दोनों चीज़ों का ही स्वाद आएगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिक्स कर दिया इन सब चीज़ों को। करीबन हमें 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छे से भूनना है ताकि इसका स्वाद थोड़ा सा मटर और स्वीट कॉर्न में उतर जाए। आपको पता चल जाएगा जब ये भून जाएंगे, जब मसाले की खुशबू आपको आती है तब आप समझ लेना कि आपके मसाले अच्छी तरह से भून गए हैं। अब इस पॉइंट पे हम पानी मिला लेंगे। आपको पानी एकदम से नहीं मिलाना है, आपको धीरे धीरे एक एक चम्मच पानी मिलाते जाना है इसमें। देखिए जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर रही हूँ वैसे ही आपको पानी ऐड कर देना है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा बॉईल आने शुरू हो जाते हैं, उस पॉइंट पे आपको पनीर के पीसेस ऐड कर देने हैं। यहाँ पे मैंने फ्राई किया नहीं है पनीर, हम डायरेक्टली इसे ऐसे ही ऐड कर सकते हैं। अभी इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। अब जैसे ये मिक्स हो जाए तो थोड़ा उसे 2-3 मिनट के लिए आप हिला के उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड करना है पनीर मसाला। यहाँ पे मैं मार्केट का पनीर मसाला यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे कोई भी आप पनीर मसाला यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे मैं एवरेस्ट का पनीर मसाला यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद आपको इसे ढक देना है। पाँच मिनट तक इसे ढक देना है। उसके बाद आपकी पनीर मटर और स्वीट कॉर्न की सब्ज़ी तैयार हो गई है। इसे आप चावल और रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं।